कदीम भारतीय तहजीब में पेड़ों को देवताओं का मकाम करार दिया गया है यहाँ पेड़ों की पूजा की जाती थी और उनके साथ इंसानों की तरह सलोक किया जाता था उनके सुखद का भी ख़ास ख्याल रखा जाता था शाम हो जाने के बाद किसी पेड़ के पत्ते तोड़ना गलत मानने के साथ हरे दरख्त को काटना गुनाह समझा जा जाता था वक्त गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तरक्की करती चली गई लेकिन इस तरक्की का खामियाजा सबसे ज़्यादा हमारे जंगलों को भुगतना पड़ा क्योंकि दुनिया की तकरीबन 40 फीसद जमीन इन्हीं जंगलों से आबाद थी मगर जैसे जैसे, जैसे जंगल ख़त्म होते गए वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज नेचुरल डिजास्टर वाटर क्राइसिस और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसले गहराने लगे और ये जरूरत महसूस की गई कि दुनिया के, के मालौलिया निज़ाम की सलामती के लिए जंगलों को महफूज रखना अशद जरूरी है बहुत से ने जंगलों के तहफ़ के लिए कानून बनाए और उन्नीस सौ अस्सी में भारत में भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 25 अक्टूबर 1980 को नाफिस किए गए इस कानून का मकसद जंगल की ज़मीन के ख़त्म किए जाने और बेरो टोक इसके इस्तेमाल पर रोक लगाना था उन्नीस में इस कानून में कुछ तब्दीलियाँ की गई जिनके तहत जंगल की जमीन पर रियासती हुकूमत या किसी कंपनी के किसी भी तरक्याती प्रोजेक्ट या कॉलोनी बसाने के मनसूबे के लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी लेना लाजमी करार दिया गया वक्त गुजरा नई तब्दीली की ज़रूरत फिर महसूस की गई और अब हुकूमत ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया जिसे लोकसभा से मंजूर कर लिया गया आज की इस पेशकश में इस अहम कानून की अहमियत और इफादियत पर माहरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी अपना मुल्क अपना आन शक्ति संविधान की नाजरीन आदाब आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जल जंगल और ज़मीन के तहफ़ की जी हाँ हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और इस कानून के जरिए हुकूमत की कोशिश है कि इन्वामेंट प्रोटेक्शन के मामले में भारत अपने टारगेट्स को अचीव करे अपनी सरहदों को ज़्यादा महफूज बनाए और इससे रोज़गार के नए मौे भी मैसर हो सकें इस क़ानून के बारे में आज हम तफसील से गुफ्तु करेंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मोहतरमा नीरम राठौर साहबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं माहर माहौलियात सिन्हा जी आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तबाल है मेरा पहला सवाल मैडम से रहेगा जब हम बात करते हैं जंगल को सिक्योर करने की या उसके तहफ़ की तो हमारे यहाँ हमारी आज़ादी के बाद कभी एक कोशिश महसूस की गई कि अब हमारी ज़रूरत है कि हम अपने जंगलों को ज्यादा से ज़्यादा महफूज रख सकें थैंक यू नामिन फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। हमारे गवर्नमेंट uh, ने जब भी ज़रूरत पड़ी है एनवायरनमेंट को लेके ज़रूरी कानून लेके आए हैं गवर्नमेंट जैसे कि आपने बोला इंडियन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस हमारी गवर्नमेंट ने किए इनिशिएटिव्स लिए 1980 में ये एक्ट आने के बाद 2002 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई जिसका पर्पस था टू कंजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट उसके बाद 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया मतलब क्या कहीं मुल्क के अंदर ऐसा लग रहा था कि वाकई जो हमारे जंगल थे वो ख़त्म होते जा रहे थे हाँ मैं आपको इसका इसका थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ वेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 फोर्टी फॉरेस्ट कवर इन इंडिया वॉज 49 परसेंट जो कि 1980 में ज़रूरत क्यों महसूस हुई फॉरेस्ट कवर 19.53 परसेंट रह गया था इसलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी था।, था उनके इम्पोर्टेंस मैं भी आपको बताऊंगी और जब आज के तारीख में हमारा जो फॉरेस्ट कवर है एटलीस्ट ऑन पेपर इट इज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट जी तो फर्क तो पड़ा है बट जितना डिग्रेडेशन हुआ था नाइनटीन फोर्टी सेवन से नाइनटीन एटी तक उस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस को स्पीड पकड़ने की जरूरत है लेकिन जो अभी नई कोशिशें हो रही हैं जैसे अब एग्जाम्पल मिनिस्टर जी की बात करें तो भूपेंद्र जी के ट्वीट से हमें पता चला कि तकरीबन हमारी जो सत्रह स्टेट्स हैं और आ, हमारी यूनियन टेरेट्रीज हैं उसके अंदर तकरीबन ये एरिया तैतीस प्रतिशत हो गया है अब अगर हम जंगल की उसकी बात करते हैं तो सर आपकी बड़ी कोशिश रही है आपके फॉरेस्ट के मामले में आपकी कोशिशें सामने आती रही हैं अगर हम फॉरेस्ट के मामले में भारत की बात करें तो हम किस मुकाम पर खड़े हैं इंटरनेशनली जहां अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर गुफ्तगु हो रही है जी ट्वेंटी में भी हाँ ये एक मुद्दा सबके सामने आया हम कितने अवेयर रहे इस मामले के अंदर हमने कितनी कोशिशें है की हैं इस क्षेत्र के अंदर नुमान जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत जैसा देश जिसमें कि आबादी इतनी बढ़ी हुई है जनसंख्या हमारी विश्व में काफ़ी ऊपर है उस माहौल में देखेंगे तो हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो रहन सहन है वो काफ़ी प्रकृति के साथ एक दोस्ताना किताब रिलेशन हमारा है इस वजह से हमारा कल्चरली आप कह लीजिए हम लोगों ने जंगल को अच्छे से बचा रखा है तो आ, पर एक चीज़ मैं आपको अपने पूछा बताना चाहूँगा कि हम लोग जंगल चूंकि बचाने में सक्षम रहे हैं लेकिन हमारा जो तो डिफोरेस्टेशन रेट है पिछले आई थिंक छः सात सालों में हम लोग दुनिया में नंबर दो पर हैं जो जंगल घट रहे हैं ब्राजील नंबर वन पे उसके बाद हमारा भारत ही है जी तो एक कहीं ना कहीं तो तो एक... ये जरूरत महसूस की गई कि हमें इस मामले में अपने एक नया एक कानून लेकर के आना होगा जी अब ये जरूरत तो सरकार अपने हिसाब से देखेंगे तो जितने भी आप फॉरेस्ट का जो पिछले सौ सालों में हिस्ट्री देखेंगे

पहली बार ये बताया गया कि जो भी आपके आर्थिक जो आप बेनिफिट लेंगे आप फॉरेस्ट से वो हमेशा उसके प्राकृतिक बेनिफिट से नीचे ही होंगे जी ये उस ये उस पॉलिसी में सबसे सबसे बड़ा चेंज चेंज आया बड़ी मान के चलते हैं। और अभी जो 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 सिचुएशन है है मैं कहूंगा कि सरकार भी जो है जो पब्लिक की जो डिमांड है एक्सपिर उसको मद्देनजर के ही कोई चेंज लाती है जी तो उस पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे जी मैं चाहूंगा उस पर हम आगे भी बात करते रहे मैडम से एक चीज जानना चाहूंगा मैडम एक तरफ हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और ये वक्त का तकाजा है कि जब इतनी आबादी है और भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और हम चाहे इकनॉमी हो और चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें हम नंबर वन है और इकोनॉमी में हम बढ़ने वाले हैं बहुत तेज़ी से और आगे अब ऐसे में इधर अपने जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनको भी महफूज़ रखना और दूसरी तरफ डेवलपमेंट करना इन दोनों में बैलेंस करते हुए इस नए कानून को कितना अहम मानती हैं आपने जो बात की है उस वो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी हमारी पॉपुलेशन की ज़रूरतें हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जरूरी है जी। और साथ ही साथ नेचर को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है जो so, जैसा कि uh, मैंने आपको पहले बोला जो हमारा uh, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी जो नीड्स हैं आज जो नीड्स है चैलेंज ऑन द बॉर्डर्स आई थिंक सिक्योरिटी इज अ बिग इश्यू टुडे। जी सो दे द चेंजेस विच टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अमेंडमेंट हैज मेड दे आर सेंटर्ड अकाउंट अराउंड स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स जब सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर दिस रीजन और वहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एग्जेंप्ट किया है उन लैंड्स को जो इस एक्ट से कवर नहीं होंगे उसके बाहर रहेंगे बट एट द सेम टाइम यह हम सरहदों की बात कर रहे हैं हाँ जी जहाँ पर सबसे ज्यादा हाँ। तो वहां पर भी वहाँ हाँ जी इंटरनेशनली अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा सरहदें एडवांस हो रही हैं बहुत एडवांस हो रही हैं और हमारे यहाँ इंकर्जनस भी हो रहे हैं रोकना है बिकॉज नाउ एवरीथिंग रिक्वायर स्पीड आपको कहीं पर अगर इनकर्जन है तो आपको वहां जल्दी पहुंचने के लिए कुछ फैसिलिटीज आपको तैयार पड़ेंगे। पड़ेगी जरूर करनी पड़ेगी मसला हमारे साथ रहा है हाँ जी और जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है वहाँ तो जो पहले प्रिंसिपल्स थे वो सेम प्रिंसिपल्स चल रहे हैं वहाँ मेरे हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट दैट इको टूरिज्म पर थोड़ा सा फोकस है गवर्नमेंट का इको टूरिज्म है। 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 सर आपसे टूरिज्मा कि हम उन्नीस सौ अस्सी के कानून की अगर बात करें और इधर हम आते हैं दो में दोनों में क्या आपको डिफरेंस नजर आता है क्या फर्क है देखिए एक बहुत जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा इसका इतिहास में जाके बताऊंगा मैं कि 1976 में के आसपास जो हमारे जो फॉरेस्ट थे जंगल है वो पहले राज्य की सरकार के अंदर में आते थे पहले हमारे संविधान में उसके बाद में कॉन्क्रीट लाया गया मतलब कि उसमें कानून जो है केंद्र भी बनाएगी और स्टेट भी उसको मैनेज करेगा तो ये कानून की आवश्यकता इसलिए थी उन्नीस सौ में क्योंकि जो राज्य थे जैसे मैम ने बोला कि पहले हमारा 49 परसेंट फॉरेस्ट कवर था बाद में घट के उन्नीस परसेंट रह गया जी, बहुत बड़ा फर्क है जी क्योंकि राज्य उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और उनका अपने जो प्राथमिकताएं थी कर रही थी हुआ क्या है कि इसमें एक चीज़ जो है कि जंगलों को स्टेट वही मान रही थी जो कि नोटिफाइड है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उन्नीस वाला जो है जो अंग्रेजों ने बनाया था उस टाइम पे तो उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार आपके जंगल को नोटिफाई करती है एक नोटिफिकेशन तहत कि जंगल नोटिफाई हो गया लेकिन ज्यादातर जंगल जो नोटिफाई में नहीं आता है इस वजह जंगल खत्म होते चले गए तो उसमें उस टाइम उस टाइम के केंद्र सरकार की वो था उनका जो रहा होगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए अभी जो चेंजेस उसमें राज्य सरकार को ज्यादा पावर ने होने चाहिए जी तो उसमें जो है केंद्र सरकार ने बोला है कि हम लोग गाइडलाइन बनाएंगे राज्य सरकार खुद से उसको जो है मैनेज करे ये इस बिल में फंडामेंटल चेंज जो आया है पिछले जो एक्ट था इसमें उस वाले में मतलब थोड़ा सा सेफ गार्ड केंद्र सरकार तरफ से ज्यादा था अब लेकिन क्या है केंद्र सरकार ने अपनी तरफ थोड़ से थोड़े से हार्ड वर्क किया कि राज्य सरकार अपने आप में सक्षम है ये मानती है बोले कि हमने उसमें गाइडलाइन बना के दे देंगे और उसको अंतर्गत जो है राज्य अपने काम करेंगे राज्य काम करेंगे और अगर वो नोटिफाई होंगे तो हमारे सामने एक एग्जैक्ट आंकड़ा आ सकेगा कि हमारे पास

तो इस पर क्या था कुछ राज्यों ने इस पर जो है अपना उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि हमारे लिए सही नहीं है हमारा विकास कैसे होगा लोगों का भी अंदर वो था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कही थी बात ये कि रिकॉर्ड में जो होगा वो आएगा और एक बात उन्होंने बोला था राज्य सरकार को कि आप अपना कमेटी बना के क्योंकि उन्होंने बोला कि क्योंकि फॉरेस्ट स्टेट लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट अभी भी तो बोला कि आप अपना कमेटी बना के और हर हर राज्य जो है अपना वो फॉरेस्ट आइडेंटिफाई करेगा जो कि रिकॉर्ड में भी नहीं है और नोटिफाइड भी नहीं है लेकिन जंगल है तीन चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है तो अभी इस कानून में एक जो अच्छी बात है मैं कहना चाहूँगा इसको क्योंकि वो चीज़ जो आपके कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने कोशिश करी है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड टर्म है उसको उसको उन्होंने अमेंडमेंट में पहली बार इंक्लूड इंक्लूड किया है। इंक्लूड किया है तो वो अब कानून बन गया है कि अगर कहीं पे भी अगर किसी रिकॉर्ड में जंगल लिखा हुआ है तो कानून दायरे में आएगा वो यानी सुप्रीम कोर्ट की बात को तस्लीम करते हुए उसको कानून में जगह दी गई उसकी कोशिश की गई है कुछ उसमें एग्जामेशन भी लेकिन कोशिश की गई उसको कानून में डालने की उसको कानून में डालने की मैडम आपने इको टूरिज्म की बात की और वाकई आज दुनिया में हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं इको टूरिज्म को काफी तेजी से बढ़ावा मिल रहा है इको टूरिज़म को कितना इसके अंदर दाखिल किया गया है हमारे नए कानून में और उसका जो है वो मकसद क्या है देखिए इको टूरिज्म में हमारे जो सेक्शन नया जो अमेंडमेंट आई है तो उसमें एक तो होता है कि फॉरेस्ट लैंड क्या है उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है दूसरा है कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकते तो उस पर एक्सप्लेशन में दिया हुआ है नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ क्या होंगे उसका भी एक्सक्लूजन था पहले भी कि ये ये एक्टिविटीज़ नॉन फॉरेस्ट नहीं हुएंगी चेक पोस्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ इसी में उन्होंने हाँ उन्होंने उस जो एक्सक्लूजन था नॉन फॉरेस्ट पर्पज में उसमें थोड़ा सा इजाफा किया बढ़ा दिया उसमें उसमें उन्होंने लाग दिया कि अगर कल्चर दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ़ रीजनरेटिंग एक्टिविटीज़ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट अगेन इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट सेकेंड इज़ जू एंड सफारीज फॉरस्ट एरिया लेके आए हैं और ये जू का भी कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से ये इंटरट्वाइंड होगा विद इको टूरिज्म है नॉट इन द प्रोटेटेड एरियाज अब प्रोटेक्टेड एरिया को अब भी इसमें सेव रखा है yes. यानी अगर हम इको yes. टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ जो है नहीं होंगी मैं आ एक तो, चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी मिस्टर सिन्हा ने बोला कि स्टेट की पावर्स स्टेट को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया है बट उसमें भी जो ये जो एक्सक्लूजन्स है फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड ये जो है कि विद इन हंड्रेड किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर एरियाज टेन हेक्टर्स अराउंड रेलवे लाइन्स नो उसमें भी क्लास थ्री उन्होंने ऐड किया है कि इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट इट विल बी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देंट्रल गंट जैसे जैसे आबादी बढ़ती है देश में तो उस आबादी के लिए मकान की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए खेतीबाड़ी की ज़रूरत पड़ती है एक तरफ वो भी हमारे पास जो है इश्यूज हैं सामने और दूसरी तरफ जो है हमें जंगल को भी प्रोटेक्ट करना है कितना आपको बैलेंस नज़र आता है इस कानून के ज़रिए उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है क्योंकि एक आबादी का बड़ा बोझ भी है खाने का भी एक मसला है रोज़गार का भी है इसमें कितना आपको नज़र आता है कि इसमें कुछ मौके दिए गए हैं गोल्डी मीट मटन मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए देखिए मौके तो बहुत दिए गए हैं इसमें क्योंकि इसमें दो तीन जो मैं बताना चाहूंगा कि आप सरहद की बात तो कर ही चुके हैं लेकिन जो बाकी जो जंगल है उसमें जैसे बोला है कि अगर सार्वजनिक जो यूटिलिटी है उसके लिए उसके लिए उन्होंने लक्ष्य दिया है कि आप अगर जंगल का बनाना हो आपका उस तरह का चीज़ है आपको रोड बनाने हैं अगर रेलवे और उसके आसपास जंगल है उन्होंने जीरो पॉइंट एक दशमलव पॉइंट वन हेक्टेयर के 0. आसपास उसको हाँ, उसको एग्जिम किया है आ, तो इसमें जो है मेरे ख्याल से विकास को तो बहुत प्राथमिकता दी गई है इस अमेंडमेंट के अंदर इसमें लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जंगल लोग मैंने आपको बात की फॉरेस्ट पॉलिसी की फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है कि हमारे जंगल जो है वो हम उसको एक सेक्रोटसाइन मांग लिए कि हम उसको जैसे हम मंदिर है मस्जिद है हम जैसे कहते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है तो उस तरह से इस पॉलिसी में उसको, उसको भी दी दी गई है कि जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो एक्ट क्या कर रहा था कि जहाँ आपको जरूरत नहीं है वहाँ पे न कीजिए जहाँ करना जरूरी है वहाँ पे आप उसको सेफ गार्ड लेके करें उसको तो अभी उसमें जो है मेरे ख्याल से विकास को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है इस अमेंडमेंट के अंदर में इसमें प्राथमिकता दी गई है दूसरा एक चीज होती है कि जब हम कहीं जाते हैं या उस क्षेत्र के अंदर टूरिज़्म को इको टूरिज्म की बात की गई है इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनके लिए जो एक रोज़गार जनरेट होता है मैडम इस पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा रोशनी डालें कि अगर इको टूरिज़्म को हम थोड़ा सा भी हमने वहाँ बढ़ावा देने की कोशिश की वो भी फॉरेस्ट एरियाज़ में प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं तो क्या उन लोगों के लिए जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए लाइवलीहुड के बहुत सारे मौके उनको मिलेंगे बिल्कुल और जो हमारा टू टू ट्वेंटी थ्री का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है अमेंडमेंट के उसमें ये हाईलाइट किया है कि टू एनहानस दी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फॉरेस्ट आर लिविंग इन द फॉरेस्ट देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉरेस्ट का पर्पज क्या है हमारी लाइफ में इन द होल वर्ल्ड थर्टी वन परसेंट ऑफ द लैंड इज फॉरेस्ट एरिया जो फिगर्स एंड डाटा के हिसाब से सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर द फॉरेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द लाइवलीहुड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी पॉपुलेशन को लाइवलीड देने के लिए सो so, वहाँ पर बैकवर्ड हैं वो लोग अभी भी ट्राइब्स वहाँ तक फैसिलिटीज नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाएंगे दे आर डिप्राइव्ड एजुकेशन हेल्थ सर्विसज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक बेनिफिट शुड रीच देम ऑल्सो आफ्टर ऑल दे आर टेकिंग केयर ऑफ अ फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट को एक तरह से गॉड की तरह ट्रीट करते हैं बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं इसलिए कोई भी डेवलपमेंट में उनके लिए उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है नंबर वन नंबर टू उनकी नीड्स उनकी अपलिफ्टमेंट भी बहुत जरूरी है जो हमारे ट्राइबल्स हैं आ, कुछ जगहों पर यह बात सामने आती है कि ट्राइबल्स को कहीं इस कानून के तहत ये तो नहीं लगता कि उनकी जमीन छिन जाएगी आपने बहुत अच्छे तरीके से कानून के बारे में आपका ज्ञान है इसको पढ़ा भी है आपने ट्राइबल्स जो हैं उनकी ज़मीन छीनने की बात इसमें क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है कि उनकी ज़मीन उनके पास नहीं रहेगी या छीन जाएगी मैं चाहूंगा रोशनी डालें मेरे हिसाब से तो एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है ऑन दरी देर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस एज आई सेड अर्लियर उनका लाइवलीहुड उनकी कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स विच दे गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट

जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में सिर्फ पंद्रह दिन का है सिक्स मंथ्स का है प्लस पेनल्टी है प्लस अब है ऑन अगर किसी की वजह से जंगल में आग लग गई है या कुछ नुकसान हो गया है उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा यानी जब हम बात करते हैं कि कुछ प्राथमिकता जो हमारी होती है उन जरूरतों को देखते हुए उसको हम ला सकते हैं ये uh, जो अमेंडमेंट आई है ना टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दिस इज एक्चुअली कीपिंग पेस विद द चेंजेस विद द दाइम

और वो डीम फॉरेस्ट का मसला कहाँ देखा जाए तो खो गया था या उसको दोबारा से लाने की कोशिश की गई है उनको आइडेंटिफाई करने की बात की गई है उस मसले पर चाहूँगा कि उस पर ज़रूर आप रोशनी डालें जी और आखिर क्या है डीम फॉरेस्ट ये जो मसला है ये बहुत कॉम्प्लीकेटेड सा है उस पर <laughs> जो है अच्छा आपने पूछा सवाल ये तो डीम फॉरेस्ट जो है मैंने आप बात की थोड़ी से पहले कि जंगल के तीन कैटेगरी हो गए हैं अब ये चार कैटेगरी एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में एक तो ये है कि जो नोटिफाइड फॉरेस्ट है वो एक ऑप्त हो गया जी। एक है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है जो किसी सरकारी दस्तावेज में है लेकिन कानून के अंदर हम नहीं आते हैं हों दस्तावेज में है तीसरा है जो सरकारी के जो सुप्रीम कोर्ट का के ऑर्डर के तहत जो सरकारी कमिटीज जो बनी थी राज्य सरकारों ने उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए थे फॉरेस्ट लाइक एरियाज जो वन स्वरूप भूमि है मतलब जो है जो जंगल तक जंगल है, की तरह तरह है, है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है वो जंगल है मतलब पारंपरिक तरीके से राजस्थान में ओरन है कई सारे इस तरह के जंगल है आपका मांगल है दिल्ली में जो लोकल जो लोग हैं आदिवासियों ने मिलकर उसको बचा कर रखा उनकी तो अपनी कुछ परंपरा है जो भी है, उसको ऐसे बचे हुए है। तो डीम फॉरेस्ट एक टर्म यूज किया गया उसको डीम फॉरेस्ट है मतलब की ये वन स्वरूप भूमि है तो ये उसका वो है तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही ये चीज आया लेकिन इसमें एक परेशानी जो है राज्य सरकार की कमिटीज थी कुछ राज्यों में तो ये काम हुआ है और कुछ राज्यों में कमिटी ने आइडेंटिफाई किया तो लोग उससे सहमत नहीं थे कई बार कमेटी बनी है कुछ राज्यों सर, राज्य सरकारों में कमेटी बनी ही नहीं है इस तरह कई सारे नया कानून, कानून देखिए नया कानून में कुछ चीजें गाइडलाइन आने के बाद क्लियर होंगी क्योंकि इसमें इन्होंने एक टर्म तो अच्छी बात जो डाल दिया है कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है उसमें लिखा है लिखा है कि विलेज काउंसिल का भी रिकॉर्ड में अगर है वो तो वो फॉरेस्ट माना जाएगा इस कानून के तहत में तो वो एक तरह से आपका एक विंडो है जिसके तहत आप जो जंगल अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं या डीम फॉरेस्ट है उसको कर सकते हैं लेकिन सारा चीज़ जो है दारोमदार इसका राज्य सरकार के ऊपर है क्योंकि लैंड जो है आपका भूमि मैंने कहा राज्य के अंदर में आता है तो राज्य सरकार किस आ, कितना उनकी मंशा है इसको करने के लिए वो तो डीम फॉरेस्ट वही है जो रिकॉर्ड में भी नहीं है लेकिन उसमें भी लेकिन वन स्वरूप जो भूमि है उसके लिए है लेकिन मैडम अगर ये रिकॉर्ड में आ जाता है डीम फॉरेस्ट तो हमारे फॉरेस्ट के जो एरिया है उसके बढ़ने में और फॉरेस्ट को कंजर्व करने में कितना कामयाब हो जा हो जाएगा हमारा ये अगर इसको हम रिकॉर्ड में ले आते हैं डीम फॉरेस्ट को बहुत हेल्प करेगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट 1996 में लाया था और अगर ये राइट right अनेस्टनेस में इम्प्लीमेंट करते स्टेट गवर्नमेंट्स तो अभी हमारा फॉरेस्ट कवर में काफ़ी फर्क होता बट काफ़ी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज कर रही हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है इसमें क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है ड्रीम फॉरेस्ट में क्लैरिटी ना होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए जैसा मिस्टर सिन्हा ने बोला सारे स्टेट्स इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए 96 से हम आज ऑलमोस्ट 27 सेवन ईयर्स डाउन द लाइन है जी और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है तो नए कानून से कितना असर पड़ेगा स्टेट्स के ऊपर कि हाँ ड्रीम फॉरेस्ट के ऊपर क्या इसमें नए कानून में इसको क्लेरिफाई किया गया है जहाँ आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं नए कानून में आ, इसको मेरे ख्याल से टच ही नहीं किया गया डीम फॉरेस्ट को बट जैसा आपने पहले बोला कि अगर डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर होने के बाद इट बिकम्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो कवर हो जाएगा वो और अगर वो में आ जाता है, तो, भी कहीना कहीना, तो जैसा मिस्टर सिन्हा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड आइडेंटिफाई क्लियर कर दिया वॉट इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो अगर उसमें आ जाता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो कहीं पर यह मिसकनसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डायल्यूट कर दिया गया है वो मेरे हिसाब से तो नहीं डायल्यूट हुई है क्योंकि डीम फॉरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है शायद मिस्टर सिन्हा इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं सिन्हा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो कही न कहीं ना कहीं स्टेट्स का मसला और सेंटर का मसला आ रहा है नए कानून में पावर्स जो हैं वो कहाँ ज्यादा रही हैं क्या सेंटर के पास ज्यादा पावर्स आ गई हैं या स्टेट्स के पास अभी भी वही पावर्स हैं और उनको थोड़ा सा पुश किया गया है कि वो आगे आ के थोड़ा सा इसको कंजर्वेशन के मामले में अपना रोल निभाए देखिए ये जो नया जो संशोधन है उसमें क्योंकि कई सारे जो आपके प्रोविजन थे उसको रिलैक्स किया गया है जिसमें आपका केंद्र सरकार का जो कंट्रोल था उसको हटाया गया है तो उसमें एक चाहे तो खुद से कर सकते हैं पर ये ये भी बोला गया है कि इस केंद्र सरकार चाहे तो उसमें टर्म्स कंडीशन उसमें रखेगी ही उसमें एक, एक क्लॉज है लास्ट में नंबर भूल रहा हूँ उसका मैं ये भी लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है तो वो जो है थ्री सी हाँ थ्री सी जो जो भी है तो इस तरह की चीज़ें रखी गई है लेकिन ओवरऑल बात करेंगे अगर तो राज्य सरकार के ऊपर कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिल डाली गई है कि वो अपने जंगलों को ज़्यादा बचा कर रखें तो ये है उसमें यानी जो राज्य सरकार है अब वो भी थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा निभाएँ ये हुकूमत की कोशिश है और जब गाइडलाइंस की बात आ रही है तो जब गाइडलाइंस हमारे सामने आ जाएंगी तैयार होकर के तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हम इसको क्लियर कर पाएंगे इसके साथ साथ मैडम एक चीज़ होती है कि लोग बग़ैर पढ़े बग़ैर जाने मुखालफत शुरू कर देते हैं और कानून को पूरी तरह नहीं जान पाते मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि नीलम जी क्या कहना चाहती हैं आपने इस कानून को पढ़ा समझा कि आखिर यह कानून हमारे देश के विकास के लिए और हमारे जंगलों को सिक्योर करने के लिए उनके तहफ़ के लिए कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में आ, मेरे हिसाब से इस जो अमेंडमेंट्स का पर्पस यही था कि जो इमीडिएट अर्जेंट स्ट्रेटिक डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा अड़चनें ना आए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आर्बिट्रेटर पावर जैसे मैंने बोला दिया हुआ है चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जैसे पहले फॉरेस्ट क्लियरेंसेज में चेक्स एंड बैलेंसेज हैं देखिए जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है लैंड का जुरिस्टिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं बट उनका आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड टू तो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट विथ द स्टेट वर नॉट एबल टू तो डू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज इन वो अभी भी है जहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू इम्पोज टर्म्स एंड कंडीशंस, डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं सेक्शन थ्री सी में वो नई इंसर्शन है इस अमेंडमेंट में आइए तो बहुत बेहद ज़रूरी है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक फ्लैगशिप एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इसके साथ और भी प्रोविजन हैं जैसे मैंने जिक्र किया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये जो फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं वो उस फॉरेस्ट एक्ट में रिजर्व करते हैं वो प्रोविजन वहां है रिजर्व करने की तो इनकी प्रोविजंस को भी हमें साथ में देखना जरूरी है जिनको भी जरूरी है एक्ट का एम क्या जी? है वो भी हम वी कॉन्ट लूज साइट ऑफ दैट एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी कि द गवर्नमेंट ने एम रखा है कि दैट वी हैव टू बी वी हैव टू इंक्रीज द कार्बन सिंक ओके इन अ मेजर वे कार्बन सिंक इंक्रीज तभी कर सकते हो आप टू मीट द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जब आप फॉरेस्ट को इंक्रीज करोगे फॉरेस्ट को इंक्रीज करेंगे फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो जितना हमारा पोल्यूशन है उसके लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है और इसी मकसद के साथ ये कानून लाया गया है कि हमारी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं उनके लिए जंगल बहुत ज़रूरी हैं और उनको तहफुज करना उनकी सिक्योर करना ये तमाम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी हैं देवादित्य जी आखिरी एक मैं आपसे एक रिमार्क देना चाहूँगा कि जब हम इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करते हैं जब भारत कमिटमेंट करता है नए कानून के अंदर नए कानून के तहत हम कितने उस कमिटमेंट को अचीव कर पाएंगे ये तो देखिए वक्त बताएगा कितना अचीव कर पाएंगे पर इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि नीलम जी ने बोला कार्बर सिंह की बात तो उसमें प्रियमबा में लिखा भी हुआ है कि हमें नेट फोर्स को बनाना है नेट जीरो मिशन करना है इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जंगलों का जो महत्व है वो एक कार्बन सिंक तो है ही उसके अलावा जैव विविधता जो है हमारे भारतवर्ष में तीन मेगा डाइवर्सिटी रीजन है एक आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वेस्टर्न घाट से और जो अंडमान का रीजन है ये तीनों जो है विश्व भर में जो हाई एंटिमिज्म मतलब कि जहाँ पर जैव विविधता यूनिक है जी। और कहीं और नहीं मिलते हैं तो ये भी है फिर जो हमारे जो आपके एक, आ, बाकी जो किस्म सर्विसेज़ हैं जो लोगों को मिलते हैं जैसे हमारे पीने का पानी हम पीते हैं वो भी जंगलों से आता है नदियों में पानी जो जंगलों से आता है लैंड स्लाइड लिए जंगल बचाने ज़रूरी है तो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट में अब बायोडावर्सिटी भी आता है और हमारा वो सब भी है तो जैसे मैंने कहा कि अभी तो ये वक्त बताएगा गाइडें स्ट्रॉम स्ट्रॉम आते हैं और किस तरह से इंप्लीमेंट होता है लेकिन हाँ। शुरुआत करने के लिए उस उस पथ पर चलने के लिए हमें बहुत सारी कोशिशें करनी होती हैं और बहुत सारे नए कानून बनाने होते हैं वही कोशिश की गई है ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें अपनी सरहदों को ज़्यादा महफूज कर सकें मुझे उम्मीद है कि आज की इस पेशकश से हमारे जो वीवर्स हैं उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ आपने इस कानून पर अपने तजुर्बे से अपनी मेहनत से रोशनी डाली हम फिर हाज़िर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुतल कुछ अहम मालूम के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आदा